आपने स्क्रैच प्रोग्रामिंग को सीखने की शुरुआत की होगी, तो आज हम स्क्रैच में मोशन ब्लॉक्स की जानकारी लेंगे। स्क्रैच का एडिटर जब आप खोलते हो तो स्क्रिप्ट्स के अंदर पहली कैटेगरी मोशन ब्लॉक्स की है। मोशन ब्लॉक्स यह नीले रंग में होते हैं। इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स इस तरह के हैं जिन्हें आप एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक इस तरह से जमा कर रख सकते हो। इस जमा कर रखने की क्षमता के कारण इनको स्टैक ब्लॉक्स कहते हैं। इसके अलावा नीचे की ओर तीन ब्लॉक्स हैं जो एक राउंडेड एज रेक्टेंगल की तरह हैं। इन तीन ब्लॉक्स को रिपोर्टर ब्लॉक्स कहते हैं। अब हम इसमें से हर एक ब्लॉक की जानकारी लेंगे, ये जानेंगे कि ये ब्लॉक्स करते क्या हैं। पहला जो ब्लॉक है वो है मूव स्टेप्स, मूव 10 स्टेप्स। ये जो 10 लिखा हुआ है इसकी जगह पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो चाहिए नंबर लिख सकते हो। जब यह ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, स्क्रैच का जो स्टेज है इसके अंदर दिखाई देने वाला जो कार्टून है वह उतने स्टेप्स आगे बढ़ता है। स्टेप्स का मतलब उतने पिक्सेल्स वह आगे बढ़ता है। यहाँ पर ब्लॉक के ऊपर क्लिक करके भी हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप इसकी जगह पर कोई और नंबर लिखें तो वह उतने नंबर्स आगे बढ़ेगा, उतने पिक्सेल्स आगे बढ़ेगा। अब हम दूसरा ब्लॉक देखेंगे। यह है टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्रीज। अब हम इसे क्लिक करेंगे तो ये कार्टून जो है वो 15 डिग्रीज क्लॉकवाइज घूमता हुआ हमें दिखाई देता है। अगर हम 15 की जगह कोई और नंबर यहाँ पर लिखें तो यह उतनी डिग्रीज में रोटेट करेगा। इसी तरह से काउंटर क्लॉकवाइज भी यह रोटेट कर सकता है। अब यहाँ पर चौथा जो ब्लॉक है वह है पॉइंट इन डायरेक्शन। इसके आगे एक एरो है, इसके ऊपर क्लिक करने पे हमें चार ऑप्शंस दिखाई देते हैं, 90, -90, 0 और 180। स्क्रैच के अंदर जो एंगल की मेजरमेंट होती है वह किस प्रकार होती है यह देखेंगे। कार्टून या स्प्राइट दाहिनी ओर देख रहा है। अगर हम इसे 90 सेलेक्ट करेंगे तो यह अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। अगर हम इसे पॉइंट इन डायरेक्शन 0 चुनते हैं तो वह ऊपर की ओर देखेगा, और 180 चुनते हैं तो वह नीचे की ओर देखेगा। तो इस तरह से स्प्राइट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए इस कोड ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। स्क्रैच के एंगल्स और उसकी स्टेज की एरिया के कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए हम इसका एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रैच के प्रोग्रामिंग एडिटर के लेफ्ट में नीचे की ओर न्यू बैकड्रॉप करके एक लिखा हुआ आइकॉन है, उसके ऊपर क्लिक करने पर एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे की ओर एक्स वाई ग्रिड इस नाम का एक इमेज है, ये सेलेक्ट करेंगे और ओके पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट की ग्रिड दिखाई देती है। तो जो स्क्रैच का स्टेज है इसका जो एरिया है उसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। सेंटर में है x0 और y0, दाहिनी ओर है x240 और y0, बाई ओर है x-240 और y0, ऊपर की ओर है x0 और y180, और नीचे की ओर है x0 और y-180। तो यह कुल मिला के 480 by 360 का रेक्टेंगल है। इसके अंदर ये सारी मूवमेंट होती है। अब हम अगला कोड ब्लॉक देखेंगे, इसका नाम है पॉइंट टूवर्ड्स। यहाँ पर भी एक एरो है, इस पे क्लिक करने पर हमें माउस पॉइंटर लिखा हुआ दिखाई देता है। अब हम इस कोड ब्लॉक को समझने के लिए स्टेज पर एक और स्प्राइट ऐड करेंगे। कोई भी स्प्राइट हम चुन लेंगे। अब स्क्रीन के पर स्टेज के अंदर दो स्प्राइट्स हैं। तब हमें पॉइंट टूवर्ड्स के अंदर दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक तो माउस पॉइंटर है और एक बॉल है। तो
तो इसका मतलब है स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने वाला जो दूसरा स्प्राइट है उसकी ओर भी हम इसको पॉइंट कर सकते हैं। अब हम माउस पॉइंटर सेलेक्ट करके इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये देखेंगे। इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए हम कुछ और कोड ब्लॉक्स सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अब स्टेज के एरिया में मेरा माउस पॉइंटर जिस तरह भी जाएगा उस तरफ यह जो पहला स्प्राइट है वह देख रहा है। अब हम पॉइंट टुवर्ड्स बॉल सेलेक्ट करके देखते हैं क्या होगा। बॉल जिस तरफ है उस तरफ यह पहला कार्टून देख रहा है। अब हम बॉल को सेलेक्ट करके मूव करके देखते हैं तो जैसे ही यह दूसरा स्प्राइट मूव होता है तो पहला वाला जो कार्टून है वह इसकी तरफ देख रहा है। इन कार्टूनों को स्प्राइट कहा जाता है। तो आपके लिए जो कंफर्टेबल वह आप इसे कह सकते हैं। तो जो पॉइंट टुवर्ड्स का जो कोड ब्लॉक है उसका इस तरह से इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर गो टू ब्लॉक है, इसके अंदर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इसका इस्तेमाल कैसे होता है यह देखेंगे। किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स हमें अगर देखने हो तो एक्चुअली हमें कोऑर्डिनेट्स स्क्रीन पर ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम इस कोड ब्लॉक को अभी सेलेक्ट नहीं करेंगे और बॉल वाले कार्टून के ऊपर इसका काम करेंगे। अब जो बॉल वाला कार्टून है वह सेंटर में है और हम चाहें कि इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर यहाँ पर रख दें। तो जैसे हम इसे यहाँ रखते हैं इसके जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन कोड ब्लॉक्स के भीतर भी अपने आप ऐड हो गए हैं। तो इस पोजीशन में इसकी जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है ये यहाँ पर अपने आप आ गई। अब हम इसे स्क्रीन पर एग्जीक्यूट करना चाहें तो इसे हम किसी भी जगह पर रख दें और उसके बाद अगर हम यह कोड एग्जीक्यूट करें तो उस जगह से ये अपने आप इस पोजीशन में चला जाएगा। तो इसको हम क्लिक करके देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो गो टू कोड ब्लॉक जो है वह कार्टून को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाता है, लेकिन इसके अंदर एनिमेशन इन्वॉल्व नहीं है। एनिमेशन का मतलब ग्रेजुअल मूवमेंट हमें नहीं दिखाई देती है, यह एक एक स्थान से सीधे दूसरे स्थान पर गया हुआ दिखाई देता है। अब इसी तरह से गो टू नाम का एक कोड ब्लॉक है, यहाँ पर भी तीन ऑप्शन से माउस पॉइंटर, रैंडम पोजीशन और स्प्राइट वन। इसको भी हम कुछ और कोड ब्लॉक्स ऐड करके इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये बॉल जो है ये मेरे माउस के पॉइंटर के साथ घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया है लेकिन फिर भी ये इसके साथ ही घूम रहा है। हम इसे रैंडम पोजीशन में रख कर देखते हैं तो ये बॉल रैंडम पोजीशन में घूमता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये बहुत तेजी से घूम रहा है इसको आसानी से देखने के लिए हम इसमें एक वेट ब्लॉक ऐड करेंगे। वेट 1 सेकेंड। अब हर एक सेकेंड में यह बॉल अपनी पोजीशन रैंडमली चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें एक और चीज ऐड करके देखेंगे। अब हमने ये किया है कि बॉल को एक हर एक सेकंड के बाद एक रैंडम पोजीशन में पहुंचाया है और उसके बाद यह बॉल जिस भी पोजीशन में जाएगा ये जो पहला कार्टून है बिल्ली वाला वह उस बॉल की तरफ देखेगा। इस तरह से हमने इन दो कार्टून्स को जोड़ दिया है। तो अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो जैसे ही बॉल किसी पोजीशन में चला जाता है बिल्ली का मुंह तुरंत उसकी ओर हो जाता है। तो ये हो गया गो टू ब्लॉक का इस्तेमाल। अब हम ग्लाइड ब्लॉक का इस्तेमाल देखेंगे। ग्लाइड 1 सेकेंड टू एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर हम सेकेंड्स में जो चाहो नंबर लिख सकते हैं और
यह एक जगह से दूसरी ओर एक एनिमेशन की तरह जाता है। अब हम इस बिल्ली के कार्टून को सेंटर से लेके इस बॉल तक ग्लाइड करके पहुंचाएंगे। तो अब जैसे ही यह कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बिल्ली का कार्टून ग्लाइड करते हुए बॉल की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये एक एनिमेटेड सीक्वेंस है। अब चेंज एक्स बाय 10 देखेंगे। यह कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने पर वह कार्टून एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ यानी कि दाहिनी ओर 10 पिक्सल्स आगे बढ़ेगा, या जो जितना भी हम यहाँ पर लिखेंगे उतने पिक्सल्स यह आगे बढ़ेगा। अगर हमने 10 की जगह -10 कर दिया तो यह एक्स की निगेटिव एक्सिस में आगे बढ़ेगा इस तरह से। दूसरा कोड ब्लॉक है सेट एक्स टू। यह कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने पर यहाँ पर जो भी हम कोऑर्डिनेट्स देंगे एक्स का, उस जगह पर यह स्प्राइट जाके ठहर जाएगा। चेंज और सेट एक्स में फ़र्क कितना है, इसकी जो वैल्यू है वह इंक्रीमेंटल है। हर बार क्लिक करने पर उतनी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है, लेकिन सेट एक्स में वह उसी पोजीशन पे ठहर जाती है। उसी तरह से चेंज वाई बाय 10, यह एग्जीक्यूट होने पर स्प्राइट वाई एक्सिस में पॉजिटिव एक्सिस में ऊपर की ओर बढ़ेगा। अगर हम इसमें निगेटिव वैल्यू भरते हैं तो ये निगेटिव वाई एक्सिस में यानी कि नीचे की ओर बढ़ेगा। उसी तरह से सेट वाई टू कोड ब्लॉक है। इसके अंदर और एक कोड ब्लॉक है, इसका नाम है इफ ऑन एज बाउंस। यानी कि जब ये मूवमेंट होती रहती है, मूवमेंट के समय अगर वह कार्टून एरिया के दीवारों तक गया तो वहाँ से उसको अपने आप बाउंस करने के लिए यह कोड ब्लॉक काम आता है। इसका उदाहरण हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर सेट रोटेशन स्टाइल 3 तरह के हैं, लेफ्ट टू राइट, डोंट रोटेट और ऑल अराउंड। यानी कि अगर आपको यह जो कार्टून है वह लेफ्ट से लेके राइट तक ही घुमाना है तो ये रोटेशन स्टाइल लेफ्ट राइट ठीक है, और अगर इसे चारों ओर घुमाना हो तो ऑल अराउंड, या फिर उसकी पोजीशन ना घूमे अगर आप चाहो, एक ही तरफ ये देखता रहा हमेशा, तो डोंट रोटेट। उसके बाद 3 रिपोर्टिंग ब्लॉक्स हैं, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन और डायरेक्शन। यह एक वेरिएबल की तरह काम करता है। यह कार्टून जिस जगह पर होगा उस जगह की जो एक्स कोऑर्डिनेट है वह इस वेरिएबल में जमा होती है। यहाँ पर हम क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे -124 यह इस समय की एक्स पोजीशन दिखा रहा है। डायरेक्शन की जो मेजरमेंट है वह हमने यहाँ से आपसे पहले देखी। यह जब रोटेट होता है तो रोटेट होते समय उसकी जो रोटेशन की एंगल है यानी कि ये जिस तरह देख रहा है, जिस तरफ देख रहा है वहाँ की एंगल डायरेक्शन में दिखाई देती है। इसका हम एक एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे ही यह कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये जो कार्टून है वह माउस के पॉइंटर की तरह इसका मुंह हो जाएगा, और उसका जो एंगल है वह एंगल भी हमें एक पॉपअप बॉक्स में दिखाई देगा। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले जाना, ऊपर की ओर जब ये देखता है तो इसकी डायरेक्शन है 0 डिग्रीज। तो ये जैसे ही राइट को देखेगा तो जो इसकी एक्सट्रीम राइट है वह है 90 डिग्रीज की, नीचे की ओर है ये 180 डिग्रीज में, और लेफ्ट की ओर यह -90 डिग्रीज। तो एंगल की मेजरमेंट इस तरह से होती है, यह आपको याद रखना चाहिए। ऊपर से लेकर अगर आप क्लॉकवाइज बढ़ते हो तो यह 0 से लेके 180 तक आता है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हो तो ये 0 से लेके -180 तक इस तरह से इसका एंगल आ जाता है। तो ये हुए स्क्रैच 2 के अंदर 14 तरह के स्टैक ब्लॉक्स और 3 रिपोर्टिंग ब्लॉक्स। अगले वीडियो में हम स्क्रैच के एडिटर के दूसरे तरह के ब्लॉक्स के बारे में जानकारी लेंगे।